Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Flowers in the Attic the Origin series के second episode The Mother के बारे में. लास्ट एपिसोड में हमने देखा ओलिविया ने मैलकम को अपनी बात सुनने पर मजबूर कर दिया है. इसके आगे जो कुछ भी होगा इस घर में वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सबको बता देगी कि मैलकम ने अपने ही पिता का खून किया है और अपने सौतेली माँ का रेप भी. ऑफ कोर्स मैलकम अपना नाम खराब करना नहीं चाहता था तो वो मान जाता है, लेकिन हाँ उसकी भी एक शर्त थी, उसकी होने वाली बेटी जो रिश्ते में उसकी स्टेपसिस भी होगी उससे कुछ होना नहीं चाहिए. आफ्टर ऑल उसी के लिए तो उसने इतना कुछ किया. गॉड नोज वो एक बेटी के पीछे इतना क्यों पागल है. नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है. ओलिविया सबके सामने अपने प्रेगनेंसी अनाउंस करती है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, स्पेशली नेला. वो वापस आ चुकी थी, उसे तो समझ नहीं आ रहा था ओलिविया का पेट एक दिन में इतना कैसे फूल गया. दूसरी तरफ फेलिशिया की भी पैकिंग हो चुकी थी तो वो सबके सामने अपना सामान लेकर निकल जाती है. सबको बताया जाता है वो पिट्सबर्ग जा रही है अपना घर बसाने. जब तक वहां सब कुछ तैयार नहीं हो जाता क्रिस्टोफर यहीं रहेगा. किसी को कोई शक नहीं होता, वो निकल जाती है और रात में लौट भी आती है. ओलिविया ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके रखी थी. अलीशा को कमरा दिखाकर वो दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है. उसे अपने दोस्त को ऐसे कैद रखना अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर ये उसी के प्रोटेक्शन के लिए था. मैलकम से बचने का और कोई रास्ता जो नहीं था. मगर इतना कुछ करके भी ओलिविया मैलकम को रोक नहीं पाती. रात के अंधेरे में हम उसे अलीशा के कमरे में देखते हैं, और सुबह होते ही ओलिविया को इसकी भनक लग जाती है जब वो मिसेस टेनर और नेला की कन्वर्सेशन ओवरहियर कर लेती है. मिसेस टेनर कह रही थी कि उसने कल रात ईस्ट विंग से किसी की रोने की आवाज सुनी है, किसी लड़की की. वहां जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है, और ओलिविया के प्रेगनेंसी को लेकर शक तो उसे पहले से ही था. ओलिविया इस शक को बढ़ने नहीं दे सकती थी तो वो उसी वक्त मिसेस टेनर को काम से निकाल देती है और उनका पोस्ट दे देती है नेला को. उसकी सैलरी भी बढ़ा देती है और साथ ही साथ सभी सर्वेंट्स को ईस्ट विंग के तरफ जाने से मना भी कर देती है. तभी बातों बातों में नेला ओलिविया को इन्फॉर्म करती है कि आज सुबह उसे लाइब्रेरी वाले एटिक का दरवाजा खुला मिला था. ओलिविया तो चौंक जाती है, उसे पता जो नहीं था वहां भी एक सीक्रेट एंट्री है. मतलब कल रात उसने जो आवाज सुनी थी वो सच में मैलकम की थी. वो उसी वक्त नेला को वो दरवाजा सील कर देने के लिए कह दिया और खुद जाती है इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने. मैलकम को खूबसूरत चीजें पसंद है, इसलिए वो अलीशा के पीछे पड़ा है, लेकिन अगर वो और खूबसूरत ना रहे तो. ओलिविया उसके सारे बाल काट देती है. अलीशा पहले तो मना करती है मगर फिर ये सोचकर राजी हो जाती है कि इसके बदले उसे चैन की नींद तो मिलेगी. ओलिविया का प्लान तो सक्सेसफुल रहता है, मगर मैलकम इस बात को इजीली हजम नहीं करता. वो एक लेटर लिखता है वेस्टमोलैंड सैनिटोरियम नाम के एक मेंटल असाइलम में भेजने के लिए. इसमें लिखा था मैलकम की पत्नी मिसेस ओलिविया फॉक्सवर्थ की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है. जब से उन्हें पता चला है वो इनफर्टाइल है, वो पागलों की तरह सुलू कर रही है, इवन प्रेग्नेंट होने का नाटक भी. ऐसे में बस उनका ट्रीटमेंट ही उसे ठीक कर सकता है. ये एक थ्रेट था ओलिविया के लिए, उसे ये समझाने के लिए असली पावर अभी भी मैलकम के हाथ में ही है. अगर ओलिविया ने फिर कुछ ऐसा किया तो वो इस लेटर को पोस्ट कर देगा. जवाब में ओलिविया उसे याद दिलाती है कि उसके पास गार्लैंड के खून का लिविंग प्रूफ है. अलीशा वो पुलिस को गवाही जरूर देगी. लेकिन मैलकम भी अपने असली रूप में आ चुका था. वो एक सीजर लेकर उसके पेट में घुसा देता है, कहता है वो चुप है इसका मतलब ये नहीं कि उसने हार मान लिया है. अगर जरूरत पड़े तो वो ओलिविया और अलीशा दोनों को ही खून कर सकता है, और पुलिस का मुंह बंद करना उसे अच्छी तरह से आता है. ओलिविया बहुत ज्यादा डर गई थी. उसके फेक बेबी बम के कारण सीजर्स उसके पेट तक पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन अगर सच में घुस जाता तो इस आदमी से पंगा लेना कहीं भारी ना पड़ जाए. उस रात मैलकम को तैयार होकर कहीं जाते देख ओलिविया उसका पीछा करती है. पता चलता है वो एक ब्रोथेल में जा रहा है. ओलिविया जब छुपके से उस पर नजर रख रही थी तो उसे एक लड़की देख लेती है. उसे लगता है ओलिविया शायद अपना बच्चा अबॉर्ट करवाने आई है.
ओलिविया तो जल्दी से घर लौट आती है। उसे अच्छा लगता है ये सोचकर कि चलो अभी कुछ दिनों के लिए मैलकम का ध्यान उधर ही रहेगा, मगर इधर घर में नई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। एलिशा और इस कमरे में बंद रहना नहीं चाहती थी, उसे अपने बेटे के पास जाना था। ओलिविया उसे बहुत समझाती है कि मैलकम उसे जाने नहीं देगा, ना उसे पैसा मिलेगा ना ही बच्चा, मगर एलिशा डेस्परेट हो पड़ी थी। वोल्डा ओलिविया को ही अक्यूज करने लग जाती है कि वो फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसीलिए उसके बच्चों को चुराना चाहती है, सारा प्लान उसी का है। बात पार्टली सही थी मगर पूरी नहीं। एलिशा गुस्से में अपना दिमाग खो देती है और घर से भागने की कोशिश करती है। ओलिविया को धक्का देकर वो सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन हड़बड़ी में गिर जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगता है। एलिशा बेहोश हो चुकी थी, ऐसे में सिर्फ एक डॉक्टर ही उसे बचा सकते थे, मगर डॉक्टर के जानने से उनका सारा प्लान फेल कर सकता था। ओलिविया ज्यादा सोचते नहीं वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर के सामने सब कुछ ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे सारा दोष एलिशा का ही है। सबसे पहले तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही कहा था वो फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी। ओलिविया बात को घुमाने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा देती है और उसके बाद ले जाती है एलिशा के कमरे में। कहती है बेचारी पागल हो गई है, उल्टी सीधी बातें करती रहती है, उसे लगता है हम उसके दुश्मन हैं, उसे कैद करके रखते हैं। मतलब ओलिविया सच को मोल्ड करके प्रेजेंट कर रही थी, इवन इस बच्चे के बारे में भी झूठ कहती है वो कि ये किसी सर्वेंट का बच्चा है। जब होश लौटने पर एलिशा डॉक्टर से मदद मांगती है तो ऑब्वियसली डॉक्टर भी उसके बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि ओलिविया ने ऑलरेडी उसे वार्न कर दिया था। थैंकफुली माँ और बच्चे दोनों ही ठीक थे, लेकिन भागा दौड़ी में ओलिविया को पैर में चोट लग गई थी और अभी वो और एलिशा की देखभाल नहीं कर सकती थी, तो ऐसे में बस एक ही इंसान उसके जगह ले सकता था, नेला। मगर जब नेला को यह बात पता चलती है वो बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट करती है, ओलिविया के मुंह पर ही मना कर देती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था ओलिविया कुछ ऐसा कर सकती है। उनकी दोस्ती पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, मगर हाँ एज एन एम्प्लॉय उसे अपने मिस्ट्रेस की बात तो माननी ही पड़ती है। यहाँ पर हमें पता चलता है नेला की बेटी सीलिया असल में मैलकम की बेटी है। सालों पहले जब टीनेजर नेला इस घर में नई नई काम करने आई थी तभी मैलकम ने उसका रेप किया था। नेला अभी भी इस घर में है क्योंकि मैलकम सीलिया की स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है, नहीं तो वो कब के भाग जाती। नेला एलिशा को भी वही कहती है, फालतू में इनका गुस्सा अपने ऊपर निकालने का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एलिशा एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। मैलकम का सपना पूरा हो चुका था, उसे उसके करीन मिल चुकी थी। एलिशा को कुछ दिनों के बाद ही आजाद कर दिया जाता है क्रिस्टोफर और प्रोमिस्ड अमाउंट के साथ। जाने से पहले ओलिविया से वो बस एक ही बात कहती है, अपने बेटी का ख्याल रखना, देखना मैलकम उसे भी अपना शिकार बना ना पाए, ऐसे आदमी पर कोई भरोसा नहीं। ये बात ओलिविया भी जानती थी, साथ में ये भी कि इस प्रॉमिस को रखना आसान नहीं होगा। देखते देखते 16 साल बीत जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं क्रेन के 16th बर्थडे पार्टी में। सभी बच्चे बड़े हो चुके थे, ओलिविया के दो बेटे मैल, जोएल और क्रेन भी। वो देखने में बिल्कुल अपने माँ जैसी हुई है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो जाय से बहुत सारे लड़के उसके दीवाने फिरते थे, उनमें से एक था रॉकफोर्ड टेलर। कोरीन उसे पसंद करती थी, पार्टी में वो आया भी था, मगर मैलकम अपने बेटे को उसके साथ देखकर हजम नहीं कर पा रहे थे, जेलसी उसके आंखों में झलक रही थी। ऑन द अदर हैंड हम मैल को देखते हैं, उसकी फियांसे हेलेन एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, मगर मैल उसे वैसी लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। मैलकम उसे 40 कौड़ी तक नहीं देता और उसने उसके नाम पे जो ट्रस्ट फंड बनाया था वो मैल को 25 साल से पहले नहीं मिलने वाला, मांगने की हिम्मत भी नहीं है उसमें। वो अपने माँ से बहुत क्लोज है, वो उससे इस बात को शेयर करता है, लेकिन ओलिविया इसमें कुछ नहीं कर सकती, वो तो खुद ही मैलकम के टर्म्स पे चलती है। उनका रिश्ता कितना अजीब है, कितना खराब है, वो सबको दिखता है। सबको पता है ओलिविया खुश नहीं है, मैलकम जैसे इंसान के साथ रहना किसी के लिए भी आसान नहीं है। सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, अभी तक तो फिर भी बच्चों को लेकर उसका वक्त बीत जाता था, मगर जब सभी अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे अपने परिवार के साथ तो वो क्या करेगी, कैसे जिएगी इस राक्षस के साथ। ये बात ओलिविया को भी परेशान करने लगी थी, तो वो इसका हल ढूंढने लग जाती है।
ऐसे एक दिन उसे इस घर के जंगल में छुपे एक सीक्रेट का पता चलता है, द पॉइजन गार्डन। जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल करेगी वो। हम देखते हैं जैसे जैसे कोरिन बरी होती जा रही थी, मैलकम की गंदी नजर उस पर पड़ने लगी थी। ओलिविया को उसे भी तो प्रोटेक्ट करना था, सिर्फ मैलकम से नहीं पूरी दुनिया से। लेकिन सब कुछ उसके हाथ में तो नहीं था। कोरिन अपने उम्र से कुछ ज्यादा ही क्यूरियस, फ्रीवलस एंड मैच्योर थी। वो रॉकफोर्ड के साथ डेट पे जाने लगी थी रेगुलरली। जब मैलकम को ये बात पता चली वो बहुत ही ज्यादा भड़क गए। पार्टी में जाना तो दूर, कोरिन का घर से निकलना ही बंद कर दिया उसने। ये असल में उसकी जेलसी थी, ओवर प्रोटेक्टिवनेस थी। वो कोरिन को शेयर करना नहीं चाहता था और ये बात सिर्फ और सिर्फ ओलिविया को समझ आ रही थी। मैलकम से अगर हो सके तो वो कोरिन को खुद से कभी दूर करेगा ही नहीं। लेकिन ओलिविया ऐसे होने नहीं दे सकती थी। ये नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। वो चाहती थी उसकी बेटी एक नॉर्मल लाइफ लीड करे, उसकी खूबसूरती कहीं उसके लिए कर्स ना बन जाए। घर में वो सेफ नहीं थी तो उसका बाहर निकलना जरूरी था, जिससे वो इस दुनिया के तौर तरीके जान पाए, अच्छा बुरा समझ पाए, लड़कों को समझ पाए। तो ओलिविया उसे बाहर जाने की परमिशन दे देती है, खुद जाती है उसे ड्रॉप करने। मगर इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। कोरिन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है और प्रेग्नेंट हो पड़ती है, और ओलिविया उसे ले जाती है उसी ब्रोथल में जहां मैलकम कभी जाता था। वहां कोरिन का अबॉर्शन हो जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। एटलीस्ट उन्हें तो वही लगा था, बट इन रियलिटी वो लोग मैलकम के नजरों से बच नहीं पाते। उसकी नजर हमेशा कोरिन पर जो रहती है, इसका सारा दोष वो ओलिविया पर डालता है। उसी के कारण कोरिन इम्प्योर हो गए, इसका बदला तो वो जरूर लेगा। फिर से एक बार कोरिन का घर से निकलना बंद कर दिया जाता है। इवन वो मैल के शादी के लिए शॉपिंग करने भी नहीं जा पाती। एट द सेम टाइम इस घर में कुछ और भी हो रहा था। ओलिविया अपने बेटी को लेकर इतनी बिजी हो पड़ी थी कि उसे अपने बाकी के दो बच्चों के जिंदगी में आए हुए बदलाव नजर नहीं आ रहे थे। उसे पता नहीं चल रहा था उसका छोटा बेटा ज्वेल एक गे है, और उसे उनके ही घर में काम करने वाले एक मैकेनिक हैरी से प्यार भी हो चुका है। एंड कोइंसिडेंटली हैरी सीरिया का स्टेपसन है। एक दिन बातों बातों में हैरी से ज्वेल को उस रूमर के बारे में पता चल जाता है जो शहर में ऑलमोस्ट सभी को पता है सिवाय ओलिविया के। उसे पता चल जाता है कि सीरिया उसके हाफ सिस्टर है। वो अपने सिबलिंग से भी इस बात को शेयर करता है, तो कोरिन कहती है उसे तो बहुत पहले से ही पता था। अब इस बात से मैल को एक आइडिया मिलता है। वो जाता है मैलकम के पास और उसे थ्रेट देता है, अगर उसने मैल को अपने ट्रस्ट में एक्सेस नहीं दिया तो वो अपने माँ को बता देगा सीलिया के बारे में। लेकिन इसका नतीजा उल्टा होता है। मैलकम के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, ना ओलिविया के लिए उसके दिल में कोई सम्मान था। उसके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे, तो मैलकम खुद ओलिविया को ये बात बता देता है। अब जाके ओलिविया को समझ आता है एलिशा के केस में नीला उतनी अपसेट क्यों हुई थी, क्योंकि वो उससे खुद को रिलेट कर पा रही थी। सच्चाई को जानने के बाद नीला और ओलिविया फिर से एक बार दोस्त बन जाते हैं। इवन ओलिविया तो सिलिया से भी मिलने जाती है, और वो ही उसे याद दिलाती है मैलकम जैसे इंसान के शरीर में शैतान रहता है, उसके करतूत तो कभी बंद नहीं होते। उसी रात एक बहुत ही वाहियात हादसा ओलिविया को नजर आता है। वो देखती है मैलकम अपने ही बेटी के कमरे में ताक झांक कर रहा है, एक बाप होकर अपने बेटी को कपड़े चेंज करते हुए देख एंजॉय कर रहा है। ओलिविया समझ जाती है सीलिया कितनी सही थी, ऐसे आदमी के पास रिश्तों की कोई कीमत नहीं। वक्त हो चुका है उसके रोकने का। मैलकम को इससे आगे बढ़ने दिया गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो उसी पॉइजन गार्डन का सहारा लेती है और कुछ प्लांट्स तोड़कर अपने साथ ले आती है घर। उनका वो क्या करती है वो तो नहीं पता, मगर उस रात खाते वक्त मैलकम अचानक ही बेहोश होकर गिर जाता है। वो चोक करने लगा था। फॉर्चुनेटली उसे ज्यादा कुछ नहीं होता, डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं और कुछ ही घंटे के अंदर उसका होश लौट आता है। और जब उसे डॉक्टर से पता चलता है कि किसी ने उसे पॉइजन दिया था, उसका पहला शक मैल पर ही जाता है, क्योंकि उसके गुजर जाने से सबसे ज्यादा फायदा तो उसे ही होने वाला है। लेकिन ओलिविया सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी मैलकम इसका बहाना देकर मैल की शादी खराब कर दे। बट इन रियलिटी ये उसका काम भी नहीं था। लगता है घर में मैलकम का कोई नया दुश्मन आया है, मगर कौन। कुछ ही दिन के अंदर ओलिविया को उसके बारे में पता चल जाता है, जो और कोई नहीं कोरिन थी।
एक दिन अपने माँ का पीछा करते करते उसे उस पॉइजन गार्डन के बारे में पता चला था। वो अपने पिता को मानना नहीं चाहती थी, बस इतना चाहती थी कि वो रात में जल्दी सो जाए और वो एक पार्टी में जा पाए। गलती से उसने कुछ ज्यादा ही डाल दिया था। फॉर्चुनेटली मैलकम 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, मगर उसके दिमाग से पॉइजन वाली बात गई नहीं थी। और तो और वो मैल को ही शक कर रहा था, तो उसके शादी के दिन वो इसका बदला लेने की कोशिश करता है। मैल के फियांसे हेलन को सीड्यूस करता है, जो मैल देख लेता है। गुस्से में वो पागल हो चुका था। कोरीन और ज्वेल को ढूंढ रहा था वो अपनी बात शेयर करने के लिए, मगर उसे कोई नहीं मिलता। तो वो कोरीन के कमरे से उसका वेट बॉक्स उठाता है और गाड़ी भगाकर इस नरक से बाहर जाने की कोशिश करता है। रास्ते पर उसे कोरीन मिल जाती है, तो वो उसे उठा लेता है और सारी बातें शेयर करता है। मगर तब तक कोरीन की नजर पड़ चुकी थी वेट केस की तरफ, और वो टेंशन में कांपने लगी थी, क्योंकि ये कोई वेट नहीं थी, वो पॉइजन था। मैल ने वेट समझकर उसे स्मोक कर लिया था। कोरीन उसे वार्न करने वाली थी, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका था। उस पॉइजन ने काम शुरू कर दिया था मैल के शरीर में। वो खांसने लगा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। और देखते ही देखते कोरीन के आंखों के सामने मैल की मौत हो जाती है, बस कुछ ही मिनट के अंदर। कोरीन कुछ नहीं कर पाती, इनफैक्ट कोई कुछ नहीं कर पाता। इस हादसे का असर सब पर अलग अलग तरह से पड़ता है। जोएल अपने कंफर्ट हैरी में ढूंढता है। कोरीन और ज़्यादा डेस्परेट हो पड़ी थी, और ओलिविया बिल्कुल ही टूट पड़ी थी। खुद पर से उसका यकीन ही उठ चुका था। उसने इतना कुछ किया सिर्फ इन बच्चों को खुश रखने के लिए, इस फॉक्सवर्थ हॉल की ईविल और नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए, लेकिन उन्हें वो जिंदा ही नहीं रख पाई। तो क्या मतलब हुआ उसके एफर्ट्स का? जरूर उसी में कोई कमी रह गई, उसी की गलती है। वो खुद को मैलकम के सामने सरेंडर कर देती है। आगे से वो जो कहेगा वही होगा। इधर जब ये सब चल रहा था, तो बाहर एक नया तूफान फॉक्सवर्थ हॉल पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो रहा था, जो इस घर के रिश्ते को फिर से एक बार एक नया मोड़ देने वाला था। अतीत के पन्ने फिर से एक बार खुलने वाले थे, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ी थी अलीशिया, जिसने फॉक्सवर्थ हॉल में ना लौटने का वादा किया था। उसके कदम फिर से एक बार इसी घर में पड़ रहे थे, मगर क्यों? वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों अभी तक कहानी कैसे लगी आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एपिसोड 3 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।